युग पुरुष नरेंद्र मोदी हमारे हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ आदमी है। वो उन्होंने हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा देखने को दिखाए हैं और चेंज कर दिए हैं। जो बोल रहे थे कि चेंज इज इंडिया, वही चेंज इज इंडिया हो गया। पहले जाते थे एक एक किलोमीटर पे हमारे को बैरियर मिलता था आर्मी का, ड्राइवर चेक करो, आदमी चेक करो, गाड़ी चेक, सारा कुछ चेक होते थे। इस बार कुछ नहीं हुआ, कहानी नहीं रहेगी। पहले दिल्ली में बम, चंडीगढ़ में बम, महाराष्ट्र में बम, मुंबई में बम, हर जगह बम फटते थे। अब दिल्ली के अंदर ऐसे लोग खड़े रहते आराम से, सुरक्षित, सबसे ज्यादा सुरक्षित। देखे मोदी के खिलाफ वही बोलेगा जो चोर चुहाड़ हैं। एक काम हुआ है हिंदुस्तान में, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हुई है, एक काम तो पक्का हुआ है। हाँ, हैक कर लिया उनके पास, बड़ा वो है ना कंप्यूटर, सबका हैक कर लिया, घर में रोटी नहीं खाते है ना। तो सही शरिया बोले, हमारे लिए शरिया बोले ना, भारत के कानून से ऊपर, मतलब कानून, भारत के कानून से ऊपर। मैं अपने अकॉर्डिंग अपने मजहब पर चल सकता हूँ, मुझे इसकी इजाजत है। ये कानून समझ आ गया कि आज ही शादी करो, कल से कर दो तलाक तलाक तलाक। 370 हट गई, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया। और अभी भी 370 का आंकड़ा सेट किया, लग रहा है कि मोदी सरकार 370। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान तरस रहा है, कश्मीर इतना आगे बढ़ गया, अब नरेंद्र मोदी को आने के बाद कश्मीर का पूरा भारत भर गया है। राम मंदिर बना दिया, धारा 370 तोड़ दी, 16 करोड़ महिलाओं को इज्जत घर दिया। जब से लॉकडाउन है ये टाइम हो गया, अभी तक धक्के खा रहे हैं। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं साची त्यागी। 2024 के लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो 370 सीट हासिल करके रहेगी। ये 370 का कनेक्शन कश्मीर के साथ बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि 2019 में धारा 370 को ऐतिहासिक ढंग से संविधान से निकाल करके फेंकने वाली सरकार आज 370 के टारगेट को सेट कर रही है। और क्या जनता इस फैसले के साथ जाएगी, क्या 370 के नंबर को जनता अर्जित करवा पाएगी एनडीए के लिए, या जनता से ही पूछेंगे। कुछ कहना चाहेंगे, कश्मीर का काम आपको कैसे लग रहा है, मोदी सरकार का? बढ़िया लग कश्मीर रहा में। हाँ बिल्कुल, ये तो होना चाहिए था, लेट हो गया, 70 साल पीछे चला गया। धारा 370 हट गई, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने वो। और अभी भी 370 का आंकड़ा सेट किया, लग रहा है कि मोदी सरकार 370। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ले लेगी। आप क्या कहेंगे? 370 लेगी और एनडीए 400 पार जाएगी। अच्छा, कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से निकल गया था 400 पार। कभी तो अपना रास्ता बना ही लेती है ना, वो वाली बात है, निकल ही जाता। और सदन में बहुत सारे कानून इस बार, मतलब अपने टर्म में मोदी सरकार लेके आई, धारा 370 हटा दी, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बात चल रही है, तो कैसा लग रहा है? एक्चुअली मोदी सरकार ने कांग्रेस को इतना मौका नहीं दिया बोलने का पार्लियामेंट के अंदर। कई बार तो ये सुना है कि अपोजिशन को राइट्स ख़त्म कर दिए बोलने के, तो जब अपोजिशन को ये मौका ही नहीं मिलेगा डेमोक्रेसी के अंदर बोलने का, तो आप जितने मर्जी लॉ पास कर दीजिए, तो डेमोक्रेटिक राइट तो मिलना चाहिए किसी को बोलने का। तो अभी राहुल गांधी रैली जो निकाल रहे हैं पूरे देश में, उसका कितना असर पड़ने वाला है, कांग्रेस को फ़ायदा होगा उसका? ये नहीं कह सकते कि फ़ायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन कितने लोग हैं जो राहुल गांधी को समझ पाएंगे क्या कहना चाहते हैं। अभी तो ये धारणा बनी हुई है कि जो मोदी कह रहे हैं बस वही सुनना चाहते हैं लोग, जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसको तो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। तो जब तक आप ये दोनों पार्टी को बिना अनबायस्ड सुनेंगे, क्या मोदी कह रहे हैं क्या राहुल कह रहे हैं, तभी तो आप समझ पाएंगे। अभी तो आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो कैसे समझ पाएंगे? जो क्या लगता है, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है? मोदी सरकार तो अच्छा काम नहीं कर रही है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देश के हालात देखो ना आप, कैसे चल रहे हैं। सबसे बढ़िया काम करती है मोदी सरकार। भाई तुम्हारे लिए तो करेगी ना, तुम्हारे लिए करती होगी, जिसने सोचा तुमने वो कुछ करके दिखा दिया। बताओ, सही कह रहे हो। आप कहाँ से? आप एक मिनट, आप कहाँ से? मैं यूपी से हूँ। क्या कमियां नजर आती हैं आप? कमियां बहुत सारी नजर है, क्यों नहीं आती? बताइए। कुछ तो भेज दिया और क्या कमियां नजर आएंगी? क्या क्या बताएंगे? ये फसाद करा दिए, बुलडोजर चढ़वा दिए, अब इनके घर पे नहीं चढ़े तो इन्हें नजर आ रहा है। आपके घर पे तो चढ़े हैं ना। कहाँ से हैं आप? यूपी। यूपी में कहाँ? जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिब। फिर वो योगी वाला सवाल, जहाँ आपने उल्टा बोले नहीं, आप लट चले नहीं, ये है कुल मिला के, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों तरफ होना चाहिए ना मैम, सोचा भी नहीं था वो हो गया। आपने सोची भी नहीं थी कि ऐसा राम मंदिर बनेगा और राम मंदिर बना दिया। अब जिसको जैसा है सोच वैसा पैसा। अच्छा, राम मंदिर बनाए, लीगल बनाए? हाँ, वो जमीन, जमीन कैसी थी? जमीन कैसी थी? कोर्ट, कोर्ट का फैसला है ना। पर लेकिन जो कोर्ट का फैसला था, कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दे सकते। आपको क्या लगता है कौन चला रहा है बीजेपी को अभी?
ऐसा है आरएसएस चला रहा है, ये तो पक्की बात है। लेकिन हमारे ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। मतलब आपको जो सुनना है वो आपको अच्छा लग रहा है और जो आपकी मर्जी की बात नहीं हो रही वो गलत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं आप? मैं समर्थन नहीं करता। क्यों नहीं करते हैं? आप जानते हैं मुस्लिम धर्म एकलौता ऐसा धर्म है जिसके जो दो कानूनों का पालन करता है। आपके लिए एक भारतीय कानून है और एक शरिया का कानून है, तो सही शरिया बल है हमारे लिए। शरिया बल है ना, भारत के कानून से ऊपर। तो कानून भारत के कानून से ऊपर। मैं अपने अकॉर्डिंग अपने मजहब पर चल सकता हूँ, मुझे इसकी इजाजत है, क्या आपको नहीं पता? ये सिर्फ भारत में संभव है, तो आपको ये बात समझनी चाहिए। नया कानून मोदी जी अभी नहीं, नहीं जो मोदी जी अभी कुछ नया कानून बनाए, एक तलाक ये वाला वो भी सही है, तीन तलाक खत्म किया वो सही। शरिया के हिसाब से बिल्कुल गलत। मैं धर्म कहते ये बताइए, वो लड़की लड़की नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है। हाँ, आज आई है, कल वो कहीं कुहार का बर्तन है उसको छोड़ दो, फिर परसों कहीं छोड़ दो। आप ये बताएं क्या मुझे चीज का राइट नहीं है, मैं तो अपने मजहब पे चलूं। कोई इलाज के बाद हुआ तलाक तलाक तलाक, उसकी जिंदगी क्या होगी? हाँ, उसकी जिंदगी नरम हो जाएगी? ये कहाँ की कानून है, ये कौन सा मजहब है? हमारे हिंदू में देखिए, हमारे सिख में देखिए, हमारे ईसाइयों में देखिए, ये सब मजहब अच्छा है। ये कौन सा मजहब आ गया कि आज ही शादी करो कल से कह दो तलाक तलाक तलाक? जवाब ऐसे इन्होंने आई, हमारे मजहब में तो ऐसा होता नहीं है, शायद इनके माँ होता हो तो ये बेहतर जानते हैं। इनके यहाँ कहाँ होता है? हमारे हाथ नहीं होता है, हमारे हाथ एक भी होती है। डेवलपमेंट देख रहे हैं कश्मीर में? कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट हुआ नरेंद्र मोदी के आने के बाद, सारे खुश हैं। पंडित जा रहे हैं जो पहले दिल्ली में और यहाँ पड़े हुए थे, अब सारे पंडित वापस जा रहे हैं हमारे हिंदू। लास्ट राजा हरि सिंह था हिंदू, और उससे पीछे भी 20 राजा रहे थे हिंदू, मगर इन्होंने माइनॉरिटी ऐसी फैलाई, हमारे हिंदुओं को भगा दिया कश्मीर से। और जब से हमारे राम भक्त आए मोदी जी, वो हमारे हिंदू सारे हिंदुओं को पंडितों को कश्मीर में जा रहे हैं, रह रहे हैं फर्स्ट क्लास बढ़िया से, सारा कुछ वहाँ पे टूरिस्ट जा रहा है, इतना बढ़ावा मिला है। पत्थर मारने वाले चले गए वहाँ से, और जो पाकिस्तान से पैसा आता था नोटबंदी करके वो कर दिया, नोटबंदी पाकिस्तान का नोट जो जाली भेजता था वो फैल हो गया। आज पहले वो पाकिस्तान कश्मीर मांगता, आज आटे के लिए तरस रहा है, ठीक है ना, कश्मीर पाकिस्तान तरस रहा है। कश्मीर इतना आगे बढ़ गया नरेंद्र मोदी को आने के बाद, कश्मीर का पूरा भारत भर गया है। राम मंदिर बना दिया, धारा 370 तोड़ दी, 16 करोड़ महिलाओं को इज्जत घर दिया, महिलाओं को 16 करोड़ इज्जत घर दिया, गैस गैस भूखे तो मर रहे इंसान। असली जीवन संस्कृति से है, हमारी संस्कृति से है, असली जीवन हमारी संस्कृति से है। हमारे जीवन का असली उद्देश्य हमारी ऋषि परंपरा को जिंदा करना है, जो काम वो हमारे कर रहे हैं। आज बच्चा या हमारा भविष्य का अगर खराब हो गया तो आगे भविष्य किसके लिए? तो हम मोदी के आने के टाइम पर एक काम हुआ है हिंदुस्तान में, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हुई है, एक काम तो पक्का हुआ है। हाँ, हैक कर लिया उनके पास बड़ा वो है ना, कंप्यूटर सबका हैक कर लिया, घर में रोटी नहीं खाते है ना, वो खाते हैं। ऐसा है मैम, सब 5 किलो मिलता है, किसानों का 50 किलो जाता है। एक मिनट अब इनको बोलने दीजिए। यह कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन से ना आधी उम्र जिनकी निकल गई, पढ़े लिखे नहीं है, उनको नौकरी नहीं है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनका क्या करेंगे ये बताइए। हमारा कहने का मतलब है कि उनको भी रोजगार दो, जहाँ भी जाओ तो रिश्वत खोरी है, उसका क्या है भाई, पढ़े लिखे ने उनको रोटी का नसीब नहीं होता तो रोजगार। मैम ये कह रहा हूँ कि ईमानदारी गवर्नमेंट अब मेरा है, हम कांग्रेस के टाइम में भी आलू छाप लाइसेंस 100 रुपये का लेकर के बस चलाते थे, बस का ड्राइवर हूँ मैं, लेकिन एक ईमानदार सरकार आए हैं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन के ऊपर ही सब कुछ अपडेट कर रहे हैं। आप कर रहे हैं घूस, वो कर रहे हैं कमीशन, ये कर रहे हैं डोनेशन, बिल्कुल गलत। युग पुरुष नरेंद्र मोदी हमारे हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ आदमी है, वो उन्होंने हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा देखने को दिखाए हैं और चेंज कर दिए हैं। जो बोल रहे थे कि चेंज इज इंडिया, वही चेंज इज इंडिया हो गया। आज कश्मीर गए हैं आप कभी? कश्मीर हम जाते थे किसी टाइम में, हमारे को यहाँ वैष्णो देवी से लेकर के आपको बता रहा हूँ पुलवामा तक लग जाते थे 28 घंटे 30 घंटे। आज के डेट में हम कहाँ कितना लगते हैं, 7 घंटे के अंदर हम पहुँचते हैं जम्मू से डायरेक्ट कश्मीर, टनल के हिसाब, रोड हिसाब, पहाड़ में भी 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही है। डर लगता है आपको कश्मीर? नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्रेश रोड पे, नेशनल हाईवे पे आपका ऐसा एयरपोर्ट बनाया हुआ जहाँ पे कम से कम 50 फ्लाइट लैंड हो सकती है। बॉर्डर एरिया का जो रोड बना रखे हैं, हम लोग भी बॉर्डर के ही हैं, लेकिन हम लोग नेपाल बॉर्डर के रहने वाले हैं। उस साइड में देखें तरक्की बहुत कुछ की है, वहाँ पे पहले वाला ड्रामा नहीं है। पहले जाते थे एक एक किलोमीटर पे हमारे को बैरियर मिलता था आर्मी का, ड्राइवर चेक करो, आदमी चेक करो, गाड़ी चेक, सारा कुछ चेक होते थे। इस बार कुछ नहीं हुआ,
दौड़ लगाए सीधा। जब जान ही नहीं रहेगी, पहले दिल्ली में बम, चंडीगढ़ में बम, महाराष्ट्र में बम, मुंबई में बम, हर जगह बम फटते थे, अब दिल्ली के अंदर ऐसे लोग खड़े रहते आराम से सुरक्षित, सबसे ज्यादा सुरक्षित मोदी के खिलाफ वही बोलेगा जो चोर चुहाड़ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 370 का आगाज कश्मीर से कर रहे हैं। जनता ये पूछ रही है कि घर में रोटी कैसे बनेगी, और इससे भी बड़ा सवाल ये कि इस बार का चुनाव किस आधार पर लड़ा जाएगा, राष्ट्रवाद, धर्म, या फिर भूखे पेट नौकरी की आस लगाता वो युवा जो रोजगार की तलाश करने के लिए हर रोज सुबह अपने घर से निकलता है। 2024 के चुनाव के परिणाम ये बता देंगे कि देश की जनता क्या चाहती है।